हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्री वर्कआउट मील। यस, बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो प्री वर्कआउट यानी कि सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनको ये हमेशा रहता है कि यार, ऐसे मैं कौन सी मील लूँ, ऐसी कौन सी ड्रिंक लूँ कि प्री वर्कआउट जैसा हमें एनर्जी मिले। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे आपको प्री वर्कआउट जैसा बूस्ट मिले। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको तीन चीज़ें बताऊँगा, इन तीन चीज़ें जो बहुत ही सस्ती हैं और कोई भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकता है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। प्री वर्कआउट मील या प्री वर्कआउट ड्रिंक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी दिन भर की डाइट का। दोस्तों, प्री वर्कआउट से पहले आप लोगों को एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आपके दिन भर की डाइट है वो ठीक होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं चाहिए, यानी कि आपके जो मील है वो मिस नहीं होनी चाहिए। और फिर आप लोगों के रिकॉर्ड जो मील है या आप लोग ड्रिंक्स है, फिर उस पर आप रिलाई करेंगे। तो गाइस, प्री वर्कआउट मील में जो सबसे पहला वो हमारा है बनाना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बनाना, ठीक है। तो बनाना में आपके पास जो कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मकदार में पाई जाती है, इसी के साथ ही साथ आपकी पोटाशियम जो इसमें बहुत ज्यादा मकदार में होती है। और आप लोगों को जो पोटाशियम है इसमें आपके मसल फटीक है उसकी रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मसल फटीक से मरा देते, जब आप लोग गेम्स लगाते हैं तो आपके जो टिश्यू होते हैं वो फट जाते हैं, और उसको रिकवरी के प्रोसेस के लिए आपके पास जो बनाना है वो बेस्ट फूड है। तो बनाना में इसके न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है, वो ये है कि आपके पास इसमें 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसको आप कार्ब्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें 450 मिलीग्राम्स इसमें पोटाशियम होती है, ठीक है, जो कि एक बनाने में काफ़ी होती है। और थर्ड वन जो इसमें होती है फाइबर, वो भी इसमें 30 ग्राम्स होती है, ठीक है। ये है आपके एक बनाने में जितनी आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पर बात आती है वो है आपकी ब्रेड की, ठीक है। ब्रेड आपको आम बाजार से मिल जाएगी, तो जिसमें एक स्लाइस में आपको 11 ग्राम्स जो होती है वो आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्ब्स, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को इसके साथ साथ पोटाशियम भी मिलता है 17 मिलीग्राम्स, ठीक है, जो कि आप एक बनाना के साथ बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है आपकी डाइट का, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड वन जो आपके पास है वो है कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी आपकी जो मील है वो बहुत एनर्जेटिक है, और सबसे ज़्यादा ये होता है कि इसमें कैफीन की तादाद ज़्यादा होती है। तो एक न्यूज़ के मुताबिक एथलीट जो होते हैं वो कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते हैं तो वो वर्कआउट के दौरान अलर्ट रहते हैं, ठीक है। नो डाउट कि ये एक ड्रग्स भी है, ड्रग इस तरह से कि आपको अलर्ट रखने के लिए यूज़ होती है। बहुत सारे ऑफिस में आप लोग ये कॉफ़ी वगैरह पीते होंगे, मैं भी कॉफ़ी बहुत पीता हूँ, 2 से 3 बार मैं पी लेता हूँ कॉफ़ी। तो बात करते हैं कॉफ़ी में आप लोगों को कितनी कैलोरीज मिलती है। अगर आप लोग एक कप कॉफ़ी का पीते हैं तो आपको 250 ग्राम्स कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जो कि आपको दिन भर में काफ़ी एनर्जेटिक रखता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये प्री वर्कआउट जो मिला है आप लोगों ने तीनों चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की जो कैलरी वगैरह है आप लोगों को सारे डेफिसिट जो होगा वो वेल होगा, और आप लोग एक प्री वर्कआउट गुड मील यूज़ कर सकते हैं। तो ये मील जो आप लोगों ने लेनी है, ये आप लोगों ने जिम जाने से 1 घंटा पहले लेनी है। अगर तो आप लोग जो ब्रेड के पीस हैं वो 2 से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 घंटा पहले, अगर आप लोग 2 ही यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग आधा घंटा पहले वर्कआउट के लिए रेडी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों।